हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। जो स्टीम जनरेटर बॉयलर है उसका जो मेन पार्ट है वो टाइप्स ऑफ बॉयलर में फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर आते हैं। इसी में हमारे सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली फायर बॉयलर हो, इंटरनली फायर बॉयलर हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल बॉयलर हो। ठीक है, तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर का हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उनकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है, उससे हमें पता चल जाएगा कि बॉयलर किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या डिफरेंस है। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है उसमें जो हॉट गैसेस होती हैं वो ट्यूब के अंदर फ्लो करती हैं और सराउंडिंग में वाटर होता है। तो जो कंबसन चैम्बर से हमारा कोल बर्न हुआ उससे जो हॉट गैसेज निकली वो ट्यूब्स में एंटर करती हैं और ट्यूब्स के सराउंडिंग में हॉट कोल्ड वाटर होता है जो कि धीरे धीरे हॉट होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके अपोजिट है वाटर ट्यूब बॉयलर में, इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेटेड जो वाटर होता है वो ट्यूब में सर्कुलेट होता है और उसके सराउंडिंग में जो हॉट गैसेज हैं वो फ्लो करती हैं और वाटर हीटअप होकर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये नाम से ही पता चल जाएगा कि अगर ट्यूब में फायर है तो फायर ट्यूब बॉयलर, ट्यूब में वाटर है तो वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट है जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसमें जो स्टीम जनरेट होती है उसका प्रेशर अप टू 24.5 बार तक होता है। स्टीम का प्रेशर जनरेशन जो स्टीम जनरेट होती है, और इसमें वाटर ट्यूब में ज़्यादा होता है, 165 बार तक इसका प्रेशर हो सकता है। इसमें जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ स्टीम होता है वो लो होता है, मतलब एक घंटे में लगभग 9 टन पर आवर स्टीम जनरेट होती है। इसमें जो स्टीम जनरेशन का रेट होता है वो 450 टन पर आवर तक हो सकता है। ठीक है, इस फायर ट्यूब बॉयलर की जो एफिशिएंसी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 75% होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, अगर हम उसमें इकोनोमाइजर का भी यूज़ करें तो 90% तक ये एफिशिएंट होता है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें ब्रस्टिंग के चांसेस कम है क्योंकि इसमें प्रेशर कम है, एफिशिएंसी कम है और स्टीम जनरेशन रेट कम है, तो इसकी ब्रस्टिंग चांसेस क्या होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे। ये स्मॉल पावर प्लांट में यूज़ होता है, ये लार्ज पावर प्लांट में यूज़ होता है। अगर एग्जांपल देखें तो कॉकरन बॉयलर, स्कॉच मेरिन बॉयलर, लैंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, ये फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल हैं। अगर वाटर ट्यूब बॉयलर के देखें, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, ला माउंट बॉयलर, लॉफ्लेक्स बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये एक कुछ एक तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस भी है। अब हम दोनों में से एक एक बॉयलर लेंगे, उनकी वर्किंग समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर की। फायर ट्यूब बॉयलर मैंने जैसे नाम से बताया था कि इसमें फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं इन द ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाय द वाटर। अब इसमें कॉकरन बॉयलर लेते हैं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं कॉकरन बॉयलर। कॉकरन बॉयलर क्या है, एक वर्टिकली मल्टी ट्यूबुलर इंटरनली फायर नेचुरल सर्कुलेटेड बॉयलर है। कहने का मतलब है ये वर्टिकल होगा, वर्टिकल बॉयलर भी कह सकते हैं, मल्टी ट्यूबुलर। इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, मल्टी ट्यूब्स में हो सकता है, लगभग 165 ट्यूब्स हो सकती हैं इसमें, जिनका डायमीटर 62.5 mm या 6.25 सेंटीमीटर एक्सटर्नल डायमीटर होता है। ठीक है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इंटरनली फायर, इसमें जो कोल होगा इंटरनली सेल के अंदर, बॉयलर सेल के अंदर ही कोल को बर्न करेंगे, तो इसलिए इंटरनली फायर भी है ये। नेचुरल सर्कुलेटेड बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेटेड का मतलब इसमें जो वाटर फ्लो होगा वो नेचुरल सर्कुलेशन से होगा, एयर भी नेचुरली सर्कुलेट होगी, इसमें हम कोई फीड पंप वगैरह नहीं लगाएंगे। इसमें इसे फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे क्योंकि ट्यूब्स में जो फ्लू गैसेस फ्लो करेंगे। इसके कंपोनेंट की बात करें तो बॉयलर सेल विद हेमिस्पेरिकल सेल, ये बॉयलर सेल है, इसमें हेमिस्पेरिकल हेड है। फर्नेस फायर बॉक्स एंड ग्रेट, ये फर्नेस है, ये फायर, ये ग्रेट है, ये फायर बॉक्स है पूरा। कंबसन चैम्बर एंड फ्लू गैस फ्लू पाइप्स, ये कंबसन चैम्बर है, ये फ्लू पाइप्स हैं जिनमें आपकी हॉट गैसेस फ्लो करेंगी। स्मोक बॉक्स एंड चिमनी, स्मोक बॉक्स है, ये चिमनी है। बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज, बॉयलर माउंटिंग और एसेसरीज पे लगी होंगी, जैसे प्रेशर गेज हो गया, फीड पाइप हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, ये सारी माउंटिंग एंड एसेसरीज है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं, इसकी वर्किंग क्या होगी। सबसे पहले ही आपका
यहाँ पे ये पूरा आपका फायर बॉक्स है जिसमें हमारा एक ग्रेट है, ग्रेट में ये होल बने होते हैं ताकि एयर इसमें पास हो सके और कोल आसानी से बर्न हो सके। अगर ऑक्सीजन पास नहीं होगी तो कोल बर्न होने में दिक्कत होगी, तो इसमें क्या होगा नेचुरली एयर इन होल्स में क्या करेगी एंटर करके यहाँ पे ये कोल रखा हुआ ये बर्न होगा, ये कोल बर्न होगा तो यहाँ से फ्ल्यू गैसेस ऊपर को जाएंगी, फ्ल्यू गैसेस इस कंबसन चैम्बर में पहुंचेंगी, ये कंबसन चैम्बर है सीसी, इसमें ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, इन ट्यूब्स में ये एंटर करेगा ये फ्ल्यू गैसेस, और यहाँ पे ये स्मोक बॉक्स में इसके सराउंडिंग में ये वाटर है, ये वाटर इसके सराउंडिंग में हीटअप हो जाएगा, ठीक है, हॉट गैसेस के सराउंडिंग में ये वाटर फ्लो कर रहा है और स्मोक बॉक्स में ये सारी गैसेस कलेक्ट होकर चिमनी के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। अब जो यहाँ से ये वाटर हीट हुआ ये क्या होगा इस हेमी स्पेरिकल सेल से होते हुए यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे देखेंगे इस वाले सेल में कि अगर इस जो स्टीम बनी है उसमें यहाँ से स्टीम जनरेट होकर यहाँ इस स्टीम में अगर आपका एक तरीके से वेट स्टीम होगी इसमें वाटर कंटेन होगा मॉइस्चर कंटेन होगा, वो मॉइस्चर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो एंटी प्राइमिंग पाइप लगा हुआ है इस पे कलेक्ट हो जाएंगी, और कलेक्ट होने के बाद जो प्योर स्टीम होगी वो इससे होते हुए इस वॉल्व से होते हुए ऊपर चली जाएगी सेफ्टी वॉल्व से होते, ठीक है, यहाँ से ये आगे इंजन के लिए सप्लाई हो जाएगी। तो एक तरीके से ये आपकी क्या है वर्किंग है इसकी, इसमें ये फीड पाइप यहाँ से हम वाटर को अंदर भेजेंगे, इसमें वो वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, वाटर लेवल इंडिकेटर का एक सिरा ऊपर है हेमिस्फेरिकल सेल में, दूसरा सिरा नीचे है ताकि ये यहाँ से वाटर का लेवल बता सके हमें कि यहाँ पे कितना वाटर इस बॉयलर में है, अगर और रिक्वायरमेंट है तो और फुल करेंगे। ये प्रेशर गेज है स्टीम के प्रेशर को बताएगा जो स्टीम जनरेट हो रही है, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया है ब्रस्टिंग के चांसेस हैं तो ये वॉल्व ओपन होकर सारे प्रेशर को रिलीज कर देगी। यहाँ पे ये टैप लगा हुआ है कि यहाँ से जो हॉट वाटर बचेगा जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा तो इस टैप के रास्ते हम जो भी ये मड वगैरह है जो कोल है इसको बाहर निकालें, ठीक है, और ये एस पिट में सारी आपकी यहाँ से जो कोल बर्न होके एस कलेक्ट होगी उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये कॉकरन बॉयलर है, इसकी वर्किंग आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें जो ट्यूब का डायमीटर है वो लगभग ये ट्यूब्स हैं नंबर ऑफ ट्यूब्स 165 ट्यूब हो सकती हैं मैक्सिमम, और उनका डायमीटर 62.5 mm तक हो सकता है एक्सटर्नल डायमीटर। तो ये एक सिंपल कॉकरन बॉयलर है, उसकी वर्किंग है, ये आपका क्या है फायर ट्यूब बॉयलर है। थैंक यू वेरी मच।